हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। डायमंड पैटर्न बनाना है अगर पैटर्न में तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए कोड लिखा है मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोड लिखा है मैंने, हाइट दिया हुआ है। अब जो भी यूजर हाइट देगा उसके मुताबिक ये डायमंड पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए मैंने रेंज डेटा टाइप का भी यूज किया और फॉर लूप का यूज किया है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को जरूरत है चलाने की, तो ये चला दिया मैंने प्रोग्राम को। और अब यहाँ पर हाइट में देता हूँ 12 लिखा मैंने, तो यहाँ 12 लाइन का डायमंड पैटर्न प्रिंट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर ये डायमंड पैटर्न प्रिंट होकर आया हुआ है, देख सकते हैं ये डायमंड पैटर्न, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करवाता हूँ तो यहाँ से रन करवाया, अगर मैं 5 देता हूँ तो 5 लाइन का ही डायमंड पैटर्न हमें मिलेगा प्रिंट होकर के। यहाँ नहीं देना है, यहाँ पर देना है हमें। तो ये 5 दिया हमने और ये देखिए ये 5 लाइन का डायमंड पैटर्न हमें प्रिंट होकर मिल जा रहा है। तो ये डायमंड पैटर्न कुछ इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।